आज डिस्कस करते हैं, मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी टाइप का क्वेश्चन होता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। मैक्सिमम बुक्स, मैक्सिमम लोग ऐसे क्वेश्चन को एक एल्जेब्रिक इक्वेशन के साथ सॉल्व करते हैं और फिर भी उनका कॉन्फिडेंस जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता कि जी क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएगा। हम यहां पे जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे हम विदाउट यूज ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो प्लान हमने आपको पहले भी दे रखा था, उसी प्लान के हिसाब से हम आज इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। कहता ए कंपनी वॉन्ट्स टू रिडीम इट्स 20,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 10% प्रीमियम। फॉलोइंग बैलेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक। सिक्योरिटी प्रीमियम 6,000, सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द बैलेंस इज 30,000। डायरेक्टर्स रिडीम द शेयर्स बाय मेकिंग मिनिमम फ्रेश इश्यू, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट 5% प्रीमियम। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ओके, तो जैसा हमने आपसे डिस्कस किया था कि हम जो प्लान आपको दिया था, इस क्वेश्चन में भी हम यहां पे प्लान बनाएंगे। चलिए प्लान बनाते हैं। तो क्या था हमारा प्लान? था हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, हमने आपसे डिस्कस किया था कि दो एस्पेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट एस्पेक्ट इज दैट इज लीगल एस्पेक्ट और सेकंड इज दैट इज ए फाइनेंशियल एस्पेक्ट। ठीक है जी, फाइनेंशियल एस्पेक्ट। अब यहां पे हमारे पास क्या है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट में हमारे पास बैंक बैलेंस के बारे में कुछ नहीं है, तो हम इसको यहां पे खत्म करेंगे, इसके बारे में अभी हम नहीं बात करेंगे। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि जो हम प्लान बनाते हैं वो पास होता है या फेल होता है। अच्छा, अब आपको ये भी पता है हमने लीगल एस्पेक्ट में भी फर्दर इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। कौन सा? एक था हमारा कैपिटल पोर्शन आउट ऑफ, और दूसरा था हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना प्रीमियम देंगे? कैपिटल पोर्शन को हमने आपसे डिस्कस किया था कि हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट और दूसरा होता है हमारा आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल जिसको हम क्या बोलते हैं जी? न्यू इश्यू ऑफ द शेयर्स, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, आपको पता है कि यहां पे हमने क्या दे रखी है, एक दीवार बना देते थे हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कैसी? एक हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम और दूसरा हमारा होता था आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट, यही प्रॉफिट के जो हेड्स हैं वो ये यहां पे, और ये हमारी बीच की दीवार थी। तो चलिए इस क्वेश्चन में अब क्या होगा देखते हैं। कंपनी वॉन्ट्स टू रिडीम इट्स 20,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 10% प्रीमियम। ओके, इसका मतलब है यहां पे हमें 2,00,000 रुपए रिडीम करना है। 10% प्रीमियम है तो 10% प्रीमियम 20% ऑफ 2,00,000 रुपीज इज दैट इज 20,000। ये लो जी, इसका लीगल एस्पेक्ट में हमारे पास कितना हो गया? 2,20,000 रुपीज हमें देखना पड़ेगा। ये देखो जी, अब इसमें से उसने क्या बोला है कि हमारे पास ये बैलेंसेज अवेलेबल हैं। ये जो बैलेंसेज अवेलेबल हैं ये तो आपको क्या करता है? आउट ऑफ प्रॉफिट बताता है, लेकिन साथ में उसने बोला है मिनिमम फ्रेश इशू करना है। ओके, अगर आपको मिनिमम फ्रेश इशू करना है, मान लेते हैं, सपोज करके चलते हैं कि मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है। ओके, देखते हैं। पहले मेरे पास पड़ा है 30,000 रुपीज। ठीक है जी, अगर मेरे पास 30,000 है तो मुझे यहां पे एक तरह से कितना पैसा रेज करना पड़ेगा? 1,70,000, यानी कि
10 रुपीज के हिसाब से 17,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे, पहले देखते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम में मेरे पास कितना पैसा पड़ा है? सिक्योरिटी प्रीमियम में मेरा 6,000 पैसा पड़ा है। और आपको पता है ये ओल्ड बैलेंस है, और हम कई बार क्या कोशिश करते हैं, न्यू बैलेंस। अब मान लेते हैं ये कहता है जो मेरे फ्रेश इक्विटी शेयर ऑफ पी 10 है 5% प्रीमियम के ऊपर आएगा। अगर प्रीमियम के ऊपर है तो मैं ये सोच के चलता हूं कि अगर मेरे को 5% के ऊपर फ्रेश इशू मैंने लेके आया तो 5% के हिसाब से 1,70,000 के का मुझे फ्रेश प्रीमियम कितना एक तरह से मुझे कितना प्रीमियम मिलेगा यहां पे, मुझे कितने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा? 14,000 का, क्योंकि 6,000 पहले है, 14,000 मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मेरे को फ्रेश इश्यू से मिलेगा, और फ्रेश इश्यू से मिलने के बाद हम देखते हैं कि क्या मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम से मीट आउट हो जाएगा या नहीं होगा। और प्रॉफिट का पैसा तो हम यहां खत्म कर चुके हैं, इसलिए आउट ऑफ प्रॉफिट यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं कि ये प्लान बनाया हमने, क्या बोला कि आउट ऑफ प्रॉफिट 30,000 कहां चला जाएगा? सीआरआर में। 1,70,000 के हम फ्रेश इशू लेके आएंगे। अगर मैं फ्रेश इशू लेके आऊंगा तो मेरे पास 5% के हिसाब से कितना पैसा जो है वो इकट्ठा हो जाएगा एज ए सिक्योरिटी प्रीमियम फ्रेश इशू के ऊपर, तो वो हो जाएगा जी 8,500 रुपीज। तो अगर मैं 6,000 में प्लस करूं 8,500, तो मेरे पास जो पैसा अवेलेबल हुआ वो तो सिर्फ 14,500 हुआ, और 20,000 मुझे चाहिए, और प्रॉफिट मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि मेरे को 5,500 रुपीज कहां से लेने पड़ेंगे? आउट ऑफ प्रॉफिट लेने पड़ेंगे, लेकिन प्रॉफिट तो मैं यहां पे कंज्यूम कर चुका हूं। अगर मैं कंज्यूम कर सकता हूं तो मेरे को प्रॉफिट में कोई पैसा नहीं है। अगर प्रॉफिट में पैसा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? ये मेरी जो ये जो मैं प्लान बना रहा हूं, ये प्लान मेरी फेल हो गई। क्लियर हो गया जी? अगर मेरी ये प्लान फेल हो गई तो अब मैं क्या करूं? सिंपल है, अब मैं क्या करूंगा, एक फ्रेश प्लान के साथ चलता हूं। देखते हैं, इसका मुझे सारा का सारा पैसा जो है वो कैपिटल पोर्शन में नहीं लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, अब मैं इसके लिए क्या करता हूं कि वैसे तो हमारे पास ये बीच के ऊपर दीवार है और इधर का उधर नहीं हो सकता, इधर का उधर नहीं हो सकता, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाए और जब आपका प्लान जो है फेल हो जाए, तो थोड़े टाइम के लिए, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, ये जो आपस में बीच की जो दीवार है, ये आपने थोड़ी देर के लिए इस दीवार को गिरा दिया। अगर गिरा दिया तो कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पे मेरे पास आ जाती है एक वर्किंग, और वर्किंग है किस चीज की? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स मैं इश्यू करूं। ओके, तो देखते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने इश्यू करें। तो मैंने कहा पहले, सबसे पहले मैंने दीवार गिरा दी, तो पहला पॉइंट आ जाता है मेरे पास कि टोटल कैपिटल प्लस प्रीमियम नीडेड, तो कितना? 2,00,000 यहां चाहिए, 20,000 यहां चाहिए, तो सीधा लिख देता हूं 2,20,000 रुपीज। ठीक है जी? और उसी तरह से मेरे पास अवेलेबल कितना है, तो लेस टोटल प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना पैसा है? 30,000 इसमें पड़ा है, सिक्योरिटी प्रीमियम 6,000 पड़ा है, इसका मतलब है मेरे पास पड़ा है 36,000। तो थोड़ी देर के लिए हमने दीवार गिरा दी है, बस कंबाइन करना है, फिर दीवारें फिर दोबारा हमारी खड़ी हो जाएगी यहां पे। तो कितना पैसा चाहिए मुझे? 1,84,000। अगर 1,84,000 है तो फ्रेश इश्यू जो है वो कितने के इश्यू किए जाएंगे? 10 at 5% प्रीमियम, यानी के 10 रुपीज प्लस 5% एज ए प्रीमियम, इट मीन 10 रुपीज 50 पैसा पर शेयर। अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो मेरे पास जो शेयर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 17,523 रुपीज 8, जिसको मैं लिख देता हूं 17,524 शेयर्स।
ये मेरे मिनिमम शेयर्स इश्यू होंगे। तो ये मेरे पास यहां पे आ गया, तो इसका मतलब है कि ये वाले शेयर्स इश्यू नहीं होंगे। तो कितने शेयर्स इश्यू होंगे जी अब हमारे पास? 17,524 कितने रुपीस के? अब दीवारे हमारे दोबारा फिर दीवारे खड़ी हो गई, इसका मतलब मुझे कितना पैसा मिल गया? 1,75,240। अच्छा, अब इसका मतलब है कि मुझे कितना पैसा वापस करना है? 2 लाख रुपीस। अगर मैं 2 लाख रुपीस में से 2 लाख्स यही कर देता हूं, 2 लाख माइनस 1,75,240 इसमें से लेस करूं तो मेरे पास आ गया 24,760 रुपीज आउट ऑफ प्रॉफिट। किसमें चला जाएगा? ये चला जाएगा CRR में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। तो मेरे पास जो बैलेंस बचा वो बच गया 5,240 रुपीज। और ये जो 5,240 है ये कहां चला जाएगा, ये कहां यूज होगा? इसका एक तरह से इसका यूज हम कहां कर सकते हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, अब ये तो मेरे पास आ गया कि ये मेरे पास नए इश्यू होंगे, इतना पैसा हम प्रॉफिट में से यूज करेंगे, और ये मेरा पैसा जो प्रॉफिट वाला है वो कहां यूज हो सकता है? यहां पे हो सकता है, लेकिन तभी होगा अगर यहां कमी होगी। तो चलिए आप देखते हैं कि कितना पैसा मेरे पास आया। तो ऑलरेडी मेरे पास कितना है, इसको फिर हटा देता हूं, ऑलरेडी मेरे पास कितना पैसा पड़ा है? 6,000, ठीक है, प्लस अब मैं कितने शेयर इश्यू करूंगा? 17,524 शेयर्स इश्यू करूंगा, और इसके ऊपर मुझे क्या मिलेगा जी? इसके ऊपर मिलेगा मुझे, किसके ऊपर कटेंगे? 5% प्रीमियम के ऊपर, 5% प्रीमियम। तो 5% 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाते हैं 8,762, 5% ऑफ दिस, तब भी मेरे पास कितना हो गया? 14,762 रुपीज हो गए। लेकिन अभी मुझे कितना चाहिए? 20,000 चाहिए। अगर 20,000 रुपए चाहिए तो अभी भी कितना डिफरेंस है? चलिए देखते हैं, 20,000 माइनस 14,762 रुपीज, इट मीन्स 5,238। अभी भी मुझे कितने पैसे की जरूरत है? 5,238 की जरूरत है, और यहां मेरे पास कितना अवेलेबल है? 5,240। लो जी, हो गया जी काम। इसका मतलब ये वाला पैसा अब कहां शिफ्ट हो जाएगा? ये वाला यहां शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट इतना पैसा, सिक्योरिटी प्रीमियम में इतना पैसा, शेयर्स नए इश्यू किए जाएंगे इतने पैसा, और ये जो पैसा हम CRR में ट्रांसफर करेंगे वो करेंगे 24,760 रुपीज। लो जी, अब ये मेरी प्लान क्या हो गई? एक तरह से सक्सेसफुल हो गई। अगर ये सक्सेसफुल हो गई तो चलिए फिर आप जनरल एंट्रीज पास करते हैं इसी के बेस के ऊपर। मुझे लगता है यहां तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया, तो जनरल एंट्रीज यहीं के यहां क्लियर कर देंगे पास, जहां जहां स्पेस मिलेगा वहां पे हम एंट्रीज पास करेंगे तो इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया जी? फ्रेश इशू किया, फ्रेश इशू किया, तो एंट्री क्या बन गई जी मेरी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, मैं एप्लीकेशन की एंट्री नहीं कर रहा हूं, सीधा ही कर रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि उसने बोला ना प्रीमियम के ऊपर इश्यू करेंगे। तो मैं यहां से उठाऊंगा कितने जी? 1,75,240 रुपीज, और सिक्योरिटी के पैसे कितने आ गए जी मेरे फ्रेश? ये देखो 8,762, और मेरे पास जो टोटल आ गया वो 1,84,002 रुपीज। लो जी मेरी फर्स्ट एंट्री, देखो यहीं से निकल के आ गई है मेरे पास। अच्छा, अब क्या हुआ? CRR में ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी आप बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं आगे की, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, सीधा लिख देता हूं CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना पैसा गया जी? 24,760 रुपीज, ये भी चला गया जी। अच्छा, अब उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा?
प्रीमियम का पैसा दिया मैंने किसके ऊपर, रिडम्पशन के ऊपर, लेकिन पैसा कहां से आया, चलिए ये भी कर लेते हैं। सो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना जी, 14,762 रुपीस। और दूसरा मेरे पास कहां से आया जी, ये आया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या जो भी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5,238 रुपीज हो गया। और टू क्या देना पड़ेगा मुझे, ये देखो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना पैसा 20,000, ये लो जी थोड़ा स्पेस कम है, ये लो जी 20,000 रुपए भी, इसका अरेंजमेंट भी हमारे पास हो गया। अब क्या, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, अब हम क्या कर सकते हैं, रिडम्पशन कर सकते हैं। तो चलिए जी, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। और उसके बाद कौन सा, सिक्योरिटी या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू, ड्यू करना पड़ेगा ना, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये कितना जी 2,00,000 रुपए अरेंजमेंट हो चुका है, ये 20,000 रुपए का अरेंजमेंट हो गया है, और ये 2,20,000 रुपए का आपका अरेंजमेंट हो गया है। लास्ट एंट्री में यहां पास कर देता हूं। अब इसके लिए क्या है, पेमेंट करनी पड़ेगी, लो जी पेमेंट कर देते हैं। तो ये एंट्री नंबर वन, एंट्री नंबर टू, एंट्री नंबर थ्री, एंट्री नंबर फोर और एंट्री नंबर फाइव हो गया, क्या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना जी 2,20,000 एंड 2,20,000 रुपीज पेमेंट होगी जी। अब इस क्वेश्चन को मैक्सिमम जगह पे इक्वेशन बनाई जाती है, कौन सी, एलजेब्रिक इक्वेशन, और फिर सॉल्व किया जाता है। लेकिन आप बताइए यहां पे क्या है, पहले आप ये देखिए कि प्लान कामयाब है कि नहीं है। अगर प्लान फेल हो जाता है तो फिर आप नया प्लान, बस आपने इस दीवार को थोड़े टाइम के लिए गिराना है और उसके बाद फिर दीवार को फिर खड़े कर देना है, और उसके अकॉर्डिंगली आप नया प्लान तैयार करिए, और जब नया प्लान आपके पास आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली आप जर्नल एंट्रीज पास कर दीजिए। लो जी यहां पे ये खत्म।